तो स्मैकडाउन की शुरुआत कुछ ऐसे हुई। रोमन रिंग्स, पॉल हेमन और सोलो अपनी गाड़ी से निकले और केला बैंगसन ने उनसे इंटरव्यू लेने की कोशिश करी। रोमन रिंग्स ने दोस्तों कमाल की बात कही, वाइसमैन योर गर्लफ्रेंड इज हेयर, यानी कि पॉल हेमन की गर्लफ्रेंड कायला बैंगस्टन इंटरव्यू लेना चाहती थी रोमन रिंग्स का और पूछना चाहती थी विल जे उसो विल फॉल इन लाइन, क्या जे उसो रोमन रिंग्स का ही साथ देंगे। दोस्तों पॉल हेमन भी कुछ नहीं बोले और इसके बाद दोस्तों हमें देखने को मिला स्मैकडाउन की शुरुआत में गॉन्टलेट मैच। ये था अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के नंबर वन कंटेंडर बनने का मैच, जहां पे हमें शुरुआत होती हुई दिखी शेमस और रिच हॉलैंड वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स के बीच में। गॉन्टलेट में होने वाली बाकी की टीमें रिंग साइड खड़ी हुई थी। दोस्तों यहां पे हमें ब्रॉलिंग ब्रूट्स यानी कि शेमस और रिच हॉलैंड की शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिली। पहले उन्होंने सिर्फ 5 मिनट में ही स्ट्रीट प्रॉफिट्स को एलिमिनेट करा, उसके बाद ओसी क्लब को भी एलिमिनेट करा और हिटरो के टीम को तो दोस्तों शायद 30 सेकंड के अंदर ही ब्रॉलिंग ब्रूट्स ने खत्म कर दिया। जिसके बाद दोस्तों नई नवेली टीम यानी कि प्रिटी टिडली हमें इस मैच में फेस करती हुई देखने को मिली ब्रॉलिंग ब्रूट्स को। दोस्तों मैच में मुझे लगा था कि शेमस और रिच हॉलैंड जीत जाएंगे, पर वही ट्विंस का मैजिक चला और यहाँ पे शेमस को पिन करा प्रेटी डेडली ने और यहाँ पे वो नंबर वन कंटेंडर बन गए। इसके बाद लगातार वो 5 मिनट तक रिंग में सेलिब्रेट करते रहे और जल्द ही उन्हें केविन ओवंस और सैमी ज़ेन ने दोस्तों कन्फ्रंट करा। दोस्तों सैमी ज़ेन और केविन ओवंस के कन्फ्रंट करने के बाद यहाँ पे साफ था कि मैच हमें बहुत शानदार देखने को मिलेगा। केविन ओवंस और सैमी ज़ेन इस टीम की प्रेटी डेडली की पूरी तरीके से पकियाओ खेलना चाहते थे। वो रिंग में आए पर प्रेटी डेडली वहां से रिंग से भाग गई, पर ये मैच ऑफिशियली अनाउंस हो गया। दोस्तों रोमन रिंग्स बैक स्टेज पॉल हेमन से कहते हैं कि जा अभी के अभी जे उसो से बात कर और उसका डिसीजन लेकर आ। जिसके बाद हमें लियो स्काई वर्सेस सेलिना वेगा के बीच में मैच देखने को मिला। इस मैच में भी दोस्तों बेली की इंटरफेरेंस की वजह से या बेली की डिस्ट्रैक्शन की वजह से सेलिना वेगा ने लियो स्काई को मैच हरा दिया। जिसके बाद हमें बैक स्टेज प्रियंका बेलेयर एडम पियर्स के साथ बात करती हुई दिखती है कि मुझे मेरा रीमैच दो ऑस्का के खिलाफ। जिसके बाद कहते हैं एडम पियर्स कि मैं अभी कोई जवाब नहीं दे सकता। जिसके बाद साफ था कि प्रियंका बेलेयर काफी ज्यादा गुस्सा थी, पर बैक स्टेज हमें शॉर्ट सी लियो स्काई और बेली की तूतू मैमे में इंटरफेयर करके दिखाती है और बेली और लियो स्काई से एक इंटरेस्टिंग मैच निकलवा लेती हैं। अगले हफ्ते दोस्तों शॉर्टसी वर्सेस बेली का मैच होगा, पर अगर ये बेली मैच हार गई तो लियो स्काई MITB के मैच से बाहर हो जाएगी। इसके बाद हमें ग्रेसन वॉलर होस्ट करते हुए दिखते हैं शॉर्लेट फ्लेयर को, जहाँ पे शॉर्लेट फ्लेयर फिर से कहती है लाइन मेरे से शुरू होती है और मेरे से ही खत्म होती है और मैं ही ऑस्का की चैंपियनशिप की टाइटल रेन को खत्म करूंगी और 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 सारे जितनी भी काउंटिंग उन्हें आती है उतनी बार चैंपियन बन के दिखाऊंगी। प्रियंका बेलेयर उन्हें कन्फ्रंट करती हैं और कहती हैं साफ साफ कि ये चैंपियनशिप मेरी है, रीमैच मेरा था और मुझे ही मिलना चाहिए। वो साफ कहती हैं कि वो रिंग साइड खड़ी रहेंगी ऑस्का वर्सेस शॉर्लेट फ्लेयर के मैच के बीच में और जैसे ही मैच खत्म होगा वो अपना चैलेंज उस विनर को कर देंगी, यानी कि हमें अगला चैलेंजर अभी से प्रियंका बेलेयर के रूप में देखने को मिला है। पॉल हेमन बैक स्टेज दोस्तों जे उसो से बात करते हैं, उन्हें कहते हैं कि आई एम सॉरी कि तुम्हारे भाई ने तुम्हारे मुंह पे लात मारी, मैं हर चीज के लिए सॉरी हूं पर ब्लड लाइन को ज्वाइन कर लो। जिसका जवाब जे उसो देते हैं इफ आई एम इन यू आर आउट, यानी कि रोमन रिंग्स को चूज करना पड़ेगा पॉल हेमन या जे उसो के बीच में। इसके बाद दोस्तों हमें एजे स्टाइल और मिचकिन वर्सेस कैरियन क्रॉस और स्कारलेट का एक मिक्स टैग मैच देखने को मिलता है। इस मैच में दोस्तों एजे स्टाइल्स हमें स्कारलेट के सामने आते हुए दिखते हैं। दोस्तों स्कारलेट उन्हें सिड्यूस करने की कोशिश करती है और यहाँ पे एजे स्टाइल्स अपना ग्लव्स हटा के अपनी उंगली दिखाते हैं आई एम मैरिड पिच। जिसके बाद दोस्तों स्कारलेट एक चोर का चमाटा एजे स्टाइल्स के देती है और कैरियन क्रॉस पीछे से
दोस्तों अपना फिनिशिंग मूव लगाते हैं एजे स्टाइल्स को और ये मिक्स टैग मैच जीत लेते हैं। कमाल है कि पहली बार कैरन क्रॉस ने किसी को चैलेंज करा और वो मैच भी जीता। बैकस्टेज दोस्तों पॉल हेमन बुरी खबर लेके पहुंचते हैं रोमन रिंग्स और सोलो के पास। सोलो दोस्तों मुझे लगता है कि पॉल हेमन को पेलने ही वाले थे। पॉल हेमन वहां से लॉकर रूम से भाग जाते हैं और रोमन रिंग्स उन्हें रोकते हैं कि काम डाउन, ठंड रख भाई, ठंड रख, अभी पॉल हेमन को पेलने का वक्त नहीं आया। दोस्तों रे मिस्टीरियो इंट्रोड्यूस करते हैं सेंटोस एस्कलाबार को। इतने में हमें एले नाइट आके अटैक करते हुए दिखते हैं रे मिस्टीरियो पे, जिसके बाद हमें मैच देखने को मिलता है सेंटोस एस्कलाबार वर्सेस एले नाइट के बीच में। मैच था दोस्तों छोटा सा, पर छोटी सी आशा में एले नाइट इस मैच को हार गए। सेंटोस एस्कलाबार ने इस मैच को जीत लिया, पर मैच के बाद एले नाइट ने सेंटोस एस्कलाबार की पिटाई कर दी। पर दोस्तों इसके बाद स्मैकडाउन में वो आया जिसका इंतजार आप पूरी स्मैकडाउन में कर रहे थे, वो था जे ऊसो का डिसीजन, क्या वो इन है या आउट ब्लड लाइन से। हमें रोमन रिंग्स रिंग में आते हुए दिखे सोलो और पॉल हेमन के साथ। जल्द ही हमें जे ऊसो उन्हें कन्फ्रंट करने के लिए रिंग में आते हुए दिखे। रोमन रिंग्स ने लगातार जे ऊसो को समझाया कि कैसे वो अगले ट्राइबल चीफ हैं और पिछले 3 सालों से रोमन रिंग्स पॉल हेमन मिलके जे ऊसो को ग्रूम कर रहे हैं। वो कहते हैं कि तुम ही मेरे बाद इस ब्लड लाइन को लीड करोगे, पर बस अभी तुम लीड करने के लिए तैयार नहीं हो। रोमन रिंग्स समझा ही रहे थे, वो कहते हैं कि तुम्हारे प्रॉब्लम तुम्हारा भाई जिमी ऊसो है, ना कि पॉल हेमन। पॉल हेमन मेरा वाइस मैन है, तुम्हें जो अपना वाइस मैन रखना हो जब तुम ट्राइबल चीफ बनो तुम रख सकते हो। इतने में ही हमें जिमी ऊसो भी आते हुए दिखते हैं और वो कहते हैं कि रोमन रिंग्स तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सोचता जे ऊसो, वो सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों रोमन रिंग्स अपना एक बहुत ही प्लान मैनर में ये बात कहते हैं कि जब मैंने तुम्हें राइट हैंड जे ऊसो बनाया था तो पॉल हेमन बताओ कि सबसे ज्यादा तकलीफ किसे हुई थी, ये बताया जाता है कि जिमी ऊसो को। जिमी ऊसो भी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं जे ऊसो के सामने कि उन्हें बहुत ज़्यादा चिढ़न हुई थी जब जे ऊसो को रोमन रिंग्स ने अपना राइट मैन बनाया था। दोस्तों ऐसा लगा कि शायद जे ऊसो रोमन रिंग्स को ही चूज करेंगे और वो लगातार जिमी ऊसो पे चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे कि तुम्हें मेरी काबिलियत पे शक था और इतने सालों से तुम मेरे बड़े भाई बनकर रहे। तो दोस्तों फिर आया बड़ा ट्विस्ट, वो कहते हैं जिमी ऊसो को यू आर आउट ऑफ ब्लड लाइन, और उसके बाद वो कहते हैं मैं भी बाहर हूँ ब्लड लाइन से, और वो रोमन रिंग्स को एक सुपर किक जड़ देते हैं। रोमन रिंग्स शॉक, पॉल हेमन रिंग के बाहर भागते हैं और उसके बाद सोलो जो काफ़ी ज़्यादा शॉक थे वो अपने ही भाइयों पे अटैक करने की कोशिश करते हैं। इतने में ही जिमी ऊसो जे ऊसो काउंटर अटैक मार के सोलो की भी पिटाई करते हैं। रोमन रिंग्स पागल हो रहे थे कि कैसे तू मुझे मार सकता है। रोमन रिंग्स बहुत गुस्से में थे कि मुझे तूने टच कैसे करा। इतने में ही जे और जिमी ऊसो ने दोनों ने मिलके ही रोमन रिंग्स को सुपर किक मारी और रोमन रिंग्स रिंग में धराशायी हो गए और यहाँ पे पूरी तरीके से ब्लड लाइन खत्म हो चुकी, यानी कि द ऊसोस ने यानी कि जिमी और जे ने रोमन रिंग्स को छोड़ दिया है। जे ऊसो ने ज्वाइन करा है जिमी ऊसो को और रोमन रिंग्स की पिटाई करी है। यही इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का सच और यही है असली सिनेमा जो स्मैकडाउन में हमें इस ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन में दिखाया गया। तो दोस्तों आपको ये स्मैकडाउन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को दोस्तों लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन की बेल भी बजा दीजिए।